अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों बेटियों, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज बनाने लगे हैं मटका कढ़ी, जो बहुत मज़ेदार बनती है और उस पर मीठी मीठी सुंदी सुंदी खुशबू आती है। तो सबसे पहले मैं इसके लिए लूँगी एक प्याले बेसन, जो मैंने इस पर डाल दिए, और इसी तरह से एक प्याले दही। इन दोनों को डालकर इस पर थोड़ा सा पानी डाल के ये हो गया, बहुत अच्छे से इसको फेंट लिया मैंने। देखिए ये बिल्कुल आराम से इस तरीके से हो गया। अब इसको निकाल के अब तड़का तैयार करते पहले मसाला। ये हो गया, बहुत अच्छे से इसको फेंट लिया मैंने। देखिए ये बिल्कुल आराम से इस तरीके से हो गया। अब इसको निकाल के अब सबसे पहले ऑयल गर्म करने के लिए मैंने रख दिया था। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही इसमें डालेंगे प्याज। मैंने ब्राउन नहीं किए प्याज, आप बस देखो इस तरह से है, बस थोड़ी बहुत सोते हो गई है। और अब इस पर मैंने ये तमाम चीज़ें, बस इसमें इजाफा जो मसाले में है वो ये देगी मिर्च का है, वो मैंने एक थोड़ी सी डाली है, बाकी तमाम मसाले इसमें डाल देंगे। मिक्स करेंगे इसको, थोड़ा सा बस तेल ऊपर आ जाए। अच्छा, मटके में खाना बनाने में यूँ मज़ा आता है कि फटाफट जो है ना गर्म हो जाती है, और जो देखिए हांडी है हमारी, और वो जो है आराम से जो है ना फटाफट मसाला भी बड़ा मजे का भून जाता है। इसको हमारे लिए मिक्स में पानी डालेंगे, एक जब देना आराम डिब्बा भर के, एक जग और पानी का डाल देते हैं, क्योंकि ये आपको तो पता है कढ़ी ज़रा ज़्यादा देर तक पकती है तो फिर और अच्छी होती है। और ये जो हमने पीस के इसका रखा था, इसको बीच में डाल दिया। और इस तरीके से हिलाएंगे चम्मच को, अच्छे से मिक्स करेंगे, और उसके बाद ढक के मैं रख दूँगी इसे पकने के लिए, और आराम से 3 घंटे से पकने देंगे। इसमें डालते हैं एक प्याली बेसन लेते हैं, जब तक कढ़ी पक रही है हमारी, तो इसमें डालते हैं बेसन, और इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक। में हमेशा कम डालते हैं क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा हो जाए ना तो थोड़ा बड़ा मसला होता है। और थोड़ी सी जो है 1 टेबल स्पून के करीब मैं डालूँगी ज़ीरा, मुझे ज़ीरा ज़रा अच्छा लगता है खाने में। और प्याज ज़रा सा, या 1/2 टीस्पून कह सकते हैं, बेकिंग सोडा थोड़ा सा डालेंगे वरना ज़्यादा ना हो जाए। और इसमें डालेगा अजवाइन, अजवाइन आपको पता ही है कि बादी हो जाते हैं तो अजवाइन बड़ी ज़रूरी है, तो 2 चुटकी के करीब अजवाइन डालेंगे। और इसमें डालेंगे हल्का सा ऑयल 1 टीस्पून के करीब, ये बस ज़रा सा, और इसको अच्छे से इसकी लगाते फेंटी हाथ से। बिस्मिल्लाह, हाथ मैंने अच्छे से वॉश कर लिए थे और मैं इसको हाथ से ही इसको खोल लूँगी। तो ये खूब अच्छे से इसको जो है ना आपने फेंटना है। जब बच्चे शरारत करते लगाते ना उनकी फेंटियाँ एक, वैसे ही समझ के लगा दो, ये फिर ज़रा जो है ना पकौड़े फिर इसके बनेंगे बड़े मज़ेदार, फूले हुए सॉफ्ट। ये देखें, ये हो गए बहुत अच्छे से, इसको रख देंगे जब तक कढ़ी पकेगी, तो उसके बाद इसको भी बनाने के लिए निकालेंगे। कढ़ी को पकते हुए बहुत देर हो चुकी है, ऑयल भी ऊपर आ गया है और ज़बरदस्त उसकी जो है शक्ल भी निकल आई है।
थोड़ी सी पत्ती रखेंगे, चेंज करते हैं इसको चम्मच को और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरीके से ऑयल भी ऊपर आ गया और इतनी इसकी थिकनेस रह गई है। ये देखें, जब पकोड़े डालेंगे तो फिर जो है वो और मज़ीद थिक हो जाएगा, तो इतनी रहनी चाहिए कि जो आराम से पकोड़े डालें तो यूज़ हो जाए। तो मैंने चम्मच अब ये रहते, वरना कड़ी तो आपको पता निकालना कितना मुश्किल होता है। ये देखो, ठीक है, ये देखिए। तो अब इस पॉइंट पे इसको उतारते हैं और कढ़ाई को रखते हैं, गर्म हो रही है बहुत ज़्यादा। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब इस पर मैं डालना शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़े छोटे छोटे से डालेंगे, बहुत बड़े बड़े पकौड़े नहीं बनेंगे ये। कमेंट ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, आपको अगर दिल इजाज़त दे और मेरी वीडियो आपको पसंद आए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से बहुत मोहब्बत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए कोई भी रेसिपी तो ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कमेंट्स में कि मैं कैसी बनाई थी और आपसे कैसी बनी, कैसी लगी आपको खाने के बाद घर वालों को, और शेयर भी कर दिया करें तो इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। सब्सक्राइब करना नहीं भूला करें, तो इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और काम करने का और मज़ीद से मज़ीद दिल चाहेगा। ये हो गए हैं, अभी इनको निकाल लेंगे इस तरीके से और स्टैंडर के हेल्प से निकालेंगे, ताकि जो है वो ऑयल जितना भी है वो निकल जाए सारा आराम से। फ्लेम को हल्का कर देते हैं, पहले फ्लेम को बहुत तेज रखें, फिर उसके बाद इसमें हल्का कर दें। अब इसका तड़का तैयार करते हैं। पकोड़े तो सारे हो गए, एक मिनट ज़रा फ्लेम भी ऑन कर दूँ साथ साथ। ये देखें, शक्ल देख रहे हैं आप, वाह ना, मज़ेदार ना, दिल जाने लगा ना खाने को। चलो जल्दी जल्दी बनाओ, सब बच्चे अपने बड़ों को भी खिलाओ और खुद भी खाओ, आप सब बेटियाँ और बहनें मेरी। किसी ना मेरी ये पकौड़े देखें आप कितने, मैं आपको पकौड़े दिखाती हूँ एक मिनट। ये आप पकौड़े देखना, कोई से भी उठाऊँगी सॉफ्ट देखिए, ये देखो कितना सॉफ्ट है, ये देखो। तो ये तो अब मैं खाऊंगी, अब बाकी के सारे पकोड़े। बस ये अभी पकोड़े डालने के बाद जो है सिर्फ जीरे का तड़का लगेगा और तैयार है हमारी रेसिपी। हमारे जो ये तमाम कड़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अपना सबका ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बस तड़का रह गया था मोबाइल की ख़राबी की वजह से मैं नहीं बना सकी वीडियो। अल्लाह हाफिज़।